कौन है ये फेमस ब्लॉगर? पैदा होते ही गांव में छा गया था मातम। एक साल बाद हुई पिता की मृत्यु। और क्यों गांव वालों ने दिए ताने इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स। कभी चप्पल खरीदने के नहीं थे पैसे, गांव के वीडियो बनाकर हो गई फेमस। अब बिग बॉस में मारी एंट्री। सोशल मीडिया ऐसी चीज है जो किसी भी शख्स के फर्श से अर्श तक लेकर जा सकती है। इन्हीं में से एक नाम है शिवानी कुमारी का। आज हम आपके लिए एक अद्भुत प्रेरणादायक कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह कहानी है शिवानी कुमारी की, जो औरैया जिले के छोटे से गांव अरैया से है। शिवानी की कहानी संघर्ष, दृढ़ता और संकल्प की है, जिसने उन्हें एक साधारण गांव की लड़की से एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया। यह कहानी है आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। आइए हम इस प्रेरणादायक यात्रा को विस्तार से जानते हैं। शिवानी कुमारी का जन्म अरैया गांव में हुआ। यह एक छोटा सा गांव है जो प्रगति की दौड़ में थोड़ा पीछे रह गया है। शिवानी का परिवार एक साधारण परिवार है, जिसमें खेती किसानी और मेहनत मजदूरी की पैसे के प्रमुख साधन है। औरैया जिले में स्थित है। यहाँ की आबादी मुख्य कृषि पर निर्भर करती है। शिक्षा और तकनीक विकास की सीमित सुविधाएं हैं, लेकिन इस गांव में एक विशेषता है, यहाँ के लोग अपने मेहनत और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। शिवानी के बचपन का समय कठिनाइयों से भरा था। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें कई बार अपनी पढ़ाई छोड़ने की स्थिति का सामना करना पड़ा था। उनके परिवार के पास संसाधनों की कमी थी, जो उनके शिक्षा के सपनों की बीच की बाधा बनी। शिवानी की शिक्षा की शुरुआत गांव के सरकारी स्कूल से हुई। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी, लेकिन पैसों की कमी उन्हें कभी कभी निराश कर देती थी। उनके माता पिता ने हालांकि उनकी पढ़ाई के प्रति दृढ़ समर्थन दिखाया, और शिवानी ने कभी हार नहीं मानी। प्राथमिक शिक्षा के दौरान शिवानी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संसाधनों की कमी, स्कूल की दूरियां और परिवार की आर्थिक स्थिति ने कई बार उनकी पढ़ाई में बाधा डाली। शिवानी ने हर मुश्किल का सामना किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। जब शिवानी ने उच्च शिक्षा के लिए कदम बढ़ाया, तो उन्हें एक और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गांव में उच्च शिक्षा की सुविधाओं का अभाव था, जिसके कारण उन्हें अपने गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ी। इसके लिए उन्हें और उनके परिवार को बहुत संघर्ष करना पड़ा। शिवानी की जीवन यात्रा चुनौतियों से भरी रही। आर्थिक तंगी, समाज के प्रतिरोध और संसाधनों की कमी ने उनकी राह को कठिन बना दिया, लेकिन उनके अटूट संकल्प और परिवार के समर्थन ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अपनी शिक्षा को पूरा किया और कई उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने न केवल अपनी शिक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया, बल्कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी सफलता पाई। उनकी उपलब्धियां उनके परिवार और गाँव के लिए गर्व का विषय बनी। शिवानी ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझाया और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गांव में शिक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। शिवानी कुमारी ने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए भी कार्य किया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की राह दिखाई। उन्होंने महिलाओं के लिए सिलाई, बुनाई और अन्य साधन की ट्रेनिंग का आयोजन। शिवानी की कहानी संघर्ष और संकल्प की कहानी है। उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर कठिनाई का सामना साहस के साथ किया। सफलता की कहानी। शिवानी की सफलता सिर्फ उनकी शिक्षा या करियर ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाए हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सही दिशा में किए गए प्रयास दिन सफल जरूर होते हैं, और मजबूत इच्छा शक्ति से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वहीं शिवानी कुमारी नेशनल टेलीविजन बिग बॉस OTT 3 के शो में आ रही है, जहां बिग बॉस OTT 3 का आगाज हो गया है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिवानी कुमारी ने घर में एंट्री ले ली है। शिवानी ने इंटरव्यू के दौरान अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाई। शिवानी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के औरैया जैया गांव में उनका जन्म हुआ था। तब मातम छा गया था। उनकी मां ने उनसे पहले 3 लड़कियों को जन्म दिया था। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि शायद इस बार लड़का पैदा होगा, लेकिन जब वह पैदा हुई तब गांव में शोक मनाया जाने लगा। एक साल बाद हुई पिता की मृत्यु। शिवानी के जन्म के
एक साल बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। वह कभी समझ ही नहीं पाई कि एक पिता का प्यार क्या होता है। पिता के जाने के बाद उनकी माँ दिन रात काम करके जैसे तैसे उन्हें और उनकी तीन बहनों को एक वक्त का खाना दे पाती थी। ऐसे हालात में शिवानी ने अपनी माँ के सामने स्कूल जाने की इच्छा जताई। उनकी माँ ने उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया। ऐसे में शिवानी ने लोगों के घरों में काम किया, पैसे कमाए और अपनी पढ़ाई पूरी की। गाँव वालों ने दिए ताने। पढ़ाई के साथ साथ शिवानी ने वीडियो बनाना शुरू किया। गांव वालों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया। वह कहने लगे, अब यह नचनिया काम करेगी, इसके कारण हमारे भी बच्चे बिगड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, गांव वालों ने गंदी गंदी गालियां दी। गांव वालों की बातों में शिवानी पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन उनकी माँ परेशान हो गई और रेलवे स्टेशन पर जाकर रहने लगी। इंस्टाग्राम पर है 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। माँ की वजह से शिवानी ने एक महीने के लिए वीडियोस बनाना बंद कर दिया, लेकिन फिर हिम्मत दिखाई और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बता दें, आज इंस्टाग्राम पर उनके 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है जिसमें उनके 2.24 मिलियन सब्सक्राइबर। एक समय ऐसा था कि जब उनके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत और टैलेंट के बदौलत पूरे देश में अपनी पहचान बनाई और फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई। साल 2002 में पैदा हुई शिवानी कुमारी का बचपन गरीबी में बीता। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी माँ पर आ गई। माँ एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी। बाद में शिवानी ने गांव के अंदाज में वीडियो बनाना शुरू किया। धीरे धीरे शिवानी के वीडियोस लोगों को पसंद आने लगे और उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी। फिर उन्हें सोशल मीडिया से कमाई भी होने लगी। शिवानी एक वीडियो से करीब 2 लाख रुपए कमाती है। उनकी कुल कमाई कितनी है इसका पता नहीं चल पाया है। एक वीडियो ने बदल दी किस्मत। शिवानी ने वीडियो बनाने की शुरुआत टिकटॉक से की थी। पहले वह डांस और स्लिप सिंह वीडियो बनाती थी, लेकिन इन वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आते थे। एक दिन वह अपनी एक दोस्त के साथ मार्केट से कुछ सामान खरीद कर आ रही थी। इसी दौरान उन्होंने गांव की भाषा में और एक अंदाज में वीडियो बनाकर अपलोड किया। यह वीडियो काफी फेमस हुआ। इस वीडियो पर 24 घंटे में ही 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए। टिकटॉक पर बैन लगने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियो बनाने शुरू किए। वह यहाँ भी हिट हो गई। वीडियो की वजह से माँ चली गई थी घर छोड़कर। शिवानी जब शुरू में वीडियो बनाती थी तो उन पड़ोसी उन्हें पागल कहते थे, ताने मारते थे। शिवानी की माँ को भी शिवानी का वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता था। इससे नाराज शिवानी की माँ एक दिन घर छोड़कर चली गई, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। जब शिवानी फेमस होने लगी तो माँ ने भी साथ देना शुरू कर दिया। शिवानी कुमारी से मिलने पर एक्टर राजपाल यादव की बेटी भी एक बार उनके पास पहुंची थी। लोगों को काफी पसंद आते हैं इनके वीडियो। दोस्तों, शिवानी कुमारी की यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हमारे पास संकल्प और मेहनत करने की इच्छा है तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रेरणादायक कहानी को जानने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी इससे प्रेरित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि शिवानी कुमारी की कहानी ने आपको कैसे प्रेरित किया।